अब क्या बताते हैं परमात्मा इस काल के दूतों की भूल भुलैया। वहां तो फूक दिया, उधर उसका अकाउंट हो रहा है, वो अपने कर्माधार पर जैसा भी उसका संस्कार है, मनुष्य बनना है तो मनुष्य का जन्म ले लेगा, या भूत प्रेत की योनि प्राप्त करनी है भूत बनकर धक्के खाओगा, या उसने कोई गधे कुत्ते की योनि में जाना तो वहां चला जाओगा। और पीछे से फिर उसका देखो केस सिलसिला शुरू होता है। गरीबदास साहब जी कह रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से के पुराण उठा के पंडित आए और पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब कहते हैं परमात्मा वो तो जाने वाला तो जा चुका है, अब गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं उसकी मृत्यु के उपलक्ष में। अब परमेश्वर कहते हैं कि तुमने गरुड़ उनको पहले सुनानी थी गरुड़ पुराण का पाठ, उसके जीते जी सुनाना था, क्योंकि गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है कि जो व्यक्ति धर्म पूर्ण नहीं करता, साधना ठीक नहीं करता, मृत्यु के उपरांत यम के दूत उसको ले जाते हैं ऊपर, उनको ऐसे स्थानों से जाता है भयंकर तपती हुई जमीन होती है और नंगे पैर होते हैं, भूख और प्यास लगी होती है, और सामने जो पुण्य आत्मा है वो भंडारा कर रहे होते हैं, उनको सब भोजन उपलब्ध है। वो कहता है यम के दूतों को मुझे भोजन करवा दे भाई, वो कहते नहीं तेरे को भोजन नहीं मिलेगा, तेरे को तो लठ देंगे हम, डंडे मिलेंगे, और चल एक बार धर्मराज के पास तेरा अकाउंट वो लेने दे फिर संवारेंगे तने, जैसे पुलिस वाले कहा करें एक बार रिमांड ले लेने दे फिर देखेंगे तने। तो ये कहते हैं उसको फिर रोता है, बुरा हाल हो जाता है, पछताता है, मुझे पता लग जाता मैं भक्ति करता धर्म करता। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए गुरु से ज्ञान हेत, ई पछतावा के कर या चिड़िया चुगी खेत। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो ऐसे कर्म करता है उसकी आंखें फूट जाती हैं, और जो ऐसे कर्म करता है उसका दाया हाथ कटता है, ऐसे पाप करता है उसका बायां हाथ कटता है, जो ऐसे कर्म करता है उसके पुत्र की मृत्यु होती है। परमात्मा कहते हैं वो तो मर गया, वो जालिया वहाँ तैयार हो रहा गद्दा बनन ने, और पाछा गुरु पुराण पढ़ावे, वो पहले क्यों ने पढ़ाया, ताकि उसको पापों से डरता बुराई से बचता शुभ कर्म करके अपना कल्याण करवाता, थरे सारे उल्टे काम। और फिर क्या बताते हैं